हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग, वेरी पॉजिटिव इवनिंग टू ऑल। बहुत 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 स्वागत है आपका। एक पॉजिटिव इवनिंग नाल आप शुरू करना है जी। आज आज आपकी डेमो क्लास इंग्लिश की है। जरूरी चीज है कि आप की चीज समझना है, क्या हम सिलेबस करने वाले हैं, किवें करांगे, किन्ना पॉजिटिव रहांगे, तो सबसे तो इंपॉर्टेंट गल टेस्ट किवें क्लियर करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी पॉजिटिव इवनिंग। क्योंकि ये डेमो क्लास है तो मेरे को पहले ये पूछना है आप में से किस किस ने टेस्ट क्लियर करना है, किन्हें किन्हें जॉब लेनी है। वो उस डिटर्मिनेशन के साथ करना जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी एफर्ट करने हैं ना, साढ़े एफर्ट 400% होंगे ना। तो हम आप मेरे को और हम इंस्टीट्यूट वालों को आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखता है, तो अजय धुंधला दिखता तो होना संता क्लियर दिखता है भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर हमें नजर आने लग गया। और इसकी आप सफलता का राज ये भी देख सकते हो पीछे, जिवें ईटीटी दिया 350-350 सिलेक्शन हुई, अब इंग्लिश का टॉपर पंजाब का, और 135 में से 120 सिलेक्शन अभी एसएससी की सिलेक्शन। ये सारी सिलेक्शन इस चीज को दर्शाता है कि जे मेहनत करने वाले असी है गया तो तुसी नाल मोढ़ा लगा लो, इफ यू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चीजा बहुत आसान हो जाती है। किस्मत अजय एवं है क्या भी किस्मत नु असी तुसी खुद ही बना सकते हो, साथ साथ दिन दी किस्मत, किस्मत तुहानू कदे तुहानू पिछे नहीं लेके जाती। इफ यू हार्ड यू बिलीव इन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, किस्मत अपने आप ही बन जाती। देखिए किस्मत तुसी लिखनी है अपनी, बस मेहनत थोड़ी हैगी। तो मेहनत तुहानू असीं जिहड़े कराउण वाले हैगे ना, फिक्र ना करो, इन्नी चीज़ां नूं आपां कलैरिटी नाल करना है, इतना आसान कर देंगे चीज़ों को कि तुहानू लगेगा तो बहुत ही आसान, बहुत सुख है काम है। तो इहदे सब तो जरूरी चीज़ जिहड़ी पहली चीज़ आपां करनी है, जदों तुसीं इह शुरू करोगे, मतलब हुण मैं सिर्फ अज सिलेबस डिस्कस करांगा, फिर आपां कुछ चीज़ां जिहड़े नवें बच्चे ने उहनां लई जो अज दिन पहला लगा रहे हैं। किन्ने जणे हैगे जिहड़े इंग्लिश दी पहली ईयर क्लास ला रहे ने मेरे, जिनका डे वन है अज। ओके कोमल, हरप्रीत, सिमरन, मुस्कान, पूजा, ओके दिस इज अ गुड नंबर देन, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हुण तुसीं एक चीज करनी है, पहले हुण जो चीज करनी है, एक तां तुहाडे कोल हुण कोई नोटबुक होनी चाहिए तुहाडे कोल, जां रजिस्टर होना चाहिए है। कीप वन थिंग विद यू, कोई ना कोई चीज आपके कोल रखो। नोटबुक और रजिस्टर आपके पास है? काजल चावला सरोज, ओके वेल डन। तो सारे को नोटबुक है, रजिस्टर है, ओके वेरी गुड। पहला काम जो तुम करना है, अब उसमें लिख दो रहा हूं, लेकिन जो आपका पहला काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जदों तक तुहानू कोई चीज अंडरस्टैंड ना हो जाए उदों तक तुसी क्वेश्चन पूछते रहना। याद रखना तुहाडे लिखण तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुहाडी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी चीज, सिर्फ लिखना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ उस गल नु समझना जरूर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूजी गल, मेरा नाम अमिताभ बच्चन समझ लो। अगली गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी क्लास विच कोई भी वर्ड नेगेटिव आपां यूज नहीं करांगे, अज सीखना शुरू कर दियो, कोई भी वर्ड नेगेटिव यूज नहीं करना। कहने का मतलब उदास, डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट, पेपर क्लियर होएगा कि नहीं होएगा। अगर तुसी नौकरी लेनी है तो एक चीज याद रखना, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिहड़ी चंगी चीज नूं तुसी सच्चे मन नाल अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वह चीज तुहाडे कोल पक्की पहुंचती, ठीक है। उसमें पहुंचने का क्या होता है, जिहड़ी चीज तुहाडे कोल पहुंच गई। हुण इहदे च एक चीज ध्यान रखना है, आपां पता कहने आ नौकरी मिल जाएगी, फिर अगले दिन पता नहीं यार की करांगे, टेस्ट के जाएगा, सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में। आपको याद रखना है जॉब आ गई, इमेजिन पता की करो, मैं केड़े स्कूल च नौकरी करनी, स्कूल नू अपने वाल अट्रैक्ट करो। मैं तो स्कूल च मेरी नौकरी, आप पिंड विच मेरा स्कूल है, चाहे आप चंडीगढ़ में हो, फाजिलका में हो, कहीं भी हो पूरे इंडिया में, तुहानू लगता है मैं आ स्कूल च नौकरी करनी, उस नू अट्रैक्ट करना शुरू करो, नौकरी पक्की मिलेगी। और फिर उसके बाद हम स्मार्ट वर्क करना शुरू करेंगे। इट्स नॉट अबाउट
ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕਿ ਆਜ ਹਮੇ ਜੋਬ ਚਾਹੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਆਪ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਕੋ ਆਪਕੀ ਜੋਬ ਦਿਖਤੀ ਹਮੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਇਸ ਆਗੇ ਹਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇ ਆਪਕੋ ਹਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਵਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਕਾ ਜੈਸੇ ਕਲਾਸ ਆਏ, ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੋ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜਸਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਗਰੰਟੀ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ 99% ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ 101% ਕਿ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲ ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੈਨ ਇਟ ਮੈਟਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਮਬਡੀ ਲਵਸ ਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਠ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਦੂੰਗਾ ਪੂਜਾ ਆਪਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਕਦੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬ ਆ ਗਈ, ਓਕੇ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਟ੍ਰਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਗੜੀ ਮੇ ਤੈਨੇ ਬੇਰੋ ਲਾਗੜੋ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਭੀ ਜਸਵੀਰ ਇਸਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ 6 ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਪਕੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਰੈਡੀ? ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋਸ਼? ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਬ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਵੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ ਵੈਲ ਡਨ, ਤੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 6 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਗ੍ਰੈਮਰ, ਸਿਰਫ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਗ੍ਰੈਮਰ, ਯਹਾਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਗ੍ਰੈਮਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸੀ ਗ੍ਰੈਮਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ,
दो लिख ले होने ने, फर्स्ट वर्ड ग्रामर, सेकंड वर्ड ट्यूशन, थर्ड वर्ड डेफिनेशन परिभाषा. आई रिपीट ऑल द थ्री वर्ड्स फॉर यू पीपल. फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकंड वर्ड ट्यूशन, थर्ड वर्ड डेफिनेशन, फोर्थ वर्ड थोड़ा सा दूर जाके लिख रहा हूं हैबिट. इट स्टार्ट फ्रॉम एच, हैबिट, हैबिट. पांचवा शब्द फेमिलियर टू अनफेमिलियर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाले चलते होने आप. हम चार वर्ड तो आप पांचवा वर्ड है रिसीट. पंजाबी विच लिख देना किवें एनु प्रोनाउंस किया जाता है रिसीट. दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड रिसीट. ओके तुहानू जिवें आंदा है. पहली गल होर याद रखनी कि तुसी कोशिश कर रहे हो. प्लीज यहां से रमन इसको डिलीट करो, डिलीट करो इसे सबके लिए प्लीज. यहां टाइप नहीं करना, डिलीट दीज वर्ड्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच. डिलीट फॉर ऑल करो इसे, और सारे मैसेज टू मी कर लो, एवरीवन मत करो. यहां से वर्ड हटा दो, एक वर्ड रह गया अभी, इफ पॉसिबल इसे डिलीट कर दो. हां जी लास्ट वर्ड असैसिनेशन. छह वर्ड है कहने. पहला वर्ड सी ग्रामर, सेकंड वर्ड ट्यूशन, थर्ड वर्ड डेफिनेशन, फोर्थ वर्ड हैबिट, फिफ्थ वर्ड रिसीट, और लास्ट वर्ड है असैसिनेशन. रमन आप इतने लिखने ही नहीं, हूँ मैं तुम्हें इतने स्पैलिंग लिख के दिखावगा. तो आ कैमरा जो तो उपर लग्या होया हूँ तुहाडे घरे, तुहानू मैं कहा छत पर कैमरा लगे चेक नहीं किया. हूँ तुम्हें मैं दसागा तुम कि गलती की, तो आपको कैमरे में हम दिखाएंगे गलतियां. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वर्ड. हाँ जी पहले ये बता दो सबने लिख लिया, यहां टाइप नहीं कर. अच्छा निशा ने डायरेक्ट मेरे को किया, वेरी गुड निशा, एक गलत हो गया. हाँ जी लेट्स स्टार्ट. पहला वर्ड ग्रामर, जी आर ए, तुसी टाइप नहीं करना कोई भी, डबल एम ए आर. हुण देखो साडा सीसीटीवी ये कह रहा है किसे बच्चे ने ए दी थां ते ई लिखे है, चेक करो किन्ने किन्ने लिखे है. सीसीटीवी जो कैमरा वो गलत नहीं हो सकता. ई जिन्हें लिखे उन्हें चेक करो, साडे सीसीटीवी कैमरे ने केड़े बच्चे नु पकड़ लिया वो आप बताओ. शर्म नहीं करनी, आप सीख रहे हो, गलती होगी तो कोई गल नहीं. किसी ने ई लिखा, प्रियंका कहती मैं लिखा. देखो हमारा सीसीटीवी कैमरा है ही ऐसा, आपकी नोटबुक को चेक कर लेता है. हाँ जी सीरत ने भी लिखा, पूजा ने भी लिखा, मोनिका ने भी लिखा, और मैना ने भी लिखा, सोनिया ने भी. देखो किन्ने जने हो गए. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. इसलिए नहीं कि तुसी गलत किया बधाई दी, इसलिए कि ये वर्ड तो बहुत आसान था, लेकिन आज तो बाद ये वर्ड कदे भी गलत नहीं होएगा, है ना. हुण गलत नहीं होएगा ना. तो ग्रामर वर्ड में ए आती है ई नहीं आती है, पहली चीज. तो आज एक तुसी सीख लिया, वेल डन, शाबाश. जिनको पहले ठीक है तो एक स्माइल तुहाडे लई, क्योंकि आपां तां पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है. दूजा वर्ड ट्यूशन, टी यू आई टी आई ओ एन. साडा कैमरा कहिंदा भी आए किसे ने मिस कीती है, चेक करो किस किस की आए मिस हुई. ट्यूशन साडा कैमरा कह रहा भी आए किसे ने मिस करती, हुण पता नहीं किन्ने किन्ने मिस कीती है, तो चेक करो. हाँ प्रियंका कहती मैंने करी है. देखो कैमरा, काजल कहती मेरा भी गलत है, सिमरन सीरत देखो ओके, शीनम का भी. हाँ तो आई मिस होगी ना. तुम ट्यूशन, दिस इज नॉट ट्यूशन, एक्चुअली इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता ट्यूशन, एंड उन दे विच आए जरूरी है. ठीक है, तो अब आपने दो स्पेलिंग जिन्हों के गलत हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तुम दो नवे वर्ड सीख ले, तो वर्ड सीखे जेडे कि साडे सामने रोज आते हैं. एंड इट इज स्माइलिंग फॉर यू, तुहानू हैप्पी दिवाली विश कर रहा है पॉजिटिवली. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव सोचने, तो तुहानू मैं याद कराता रहांगा कि अपॉइंटमेंट लैटर तुहानू नजर आना चाहिए जिवें सानू नजर आता है. थर्ड वर्ड है डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन बोलिया सी, नेशन नहीं, डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन. कैमरा कहिंदा है भी इत्थे आए दी थां ते कईआं ने ए लगाया, चेक करो किंदी किंदी ए आई. सीसीटीवी तो ये बोल रहा है कि यहां पर किसी ने ए लगाई है, वो हमें ढूंढना है. हाँ प्रियंका कहती है ए लग गई गलती से, सोनिया सीरत हाँ ये कह रहे हैं कि लग गई. प्रियंका भी कह रही है कि ए लगानी लगाती, अंकुश मैना वेल्डन आप इस चीज को. तो एक बार फिर बधाई होवे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर थर्ड वर्ड जिन्होंने भी सीखा है. एक और स्माइल आपके लिए.
कि आपने डेफिनेशन भी सीख लिया। डेफिनेशन नहीं होता, वेल डन जसवीर, डेफिनेशन। हुण करे बोलोगे ना इहनूं, कदे डेफिनेशन नहीं बोलना तुसीं। ते साडी क्वालिफिकेशन 10+2 है कि बी ए है कि एम ए, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि असीं सिख कदों रहे हां। एंड लर्निंग हैपन्स एट एवरी एज, असीं अज भी सीखते पए हां, ठीक है। इसलिए तो दिस वर्ड यू नीड टू प्रोनाउंस इट एज डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं। हुण कोई कहेगा जी एवें किवें इंग्लिश असीं ओह पढ़ी सी। मैं भी पंजाबी स्कूलों चों पढ़िया होया, मैं कोई इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट स्कूल नहीं गया सी, लेकिन बाद विच आई सी इंग्लिश सीखनी सी एंड आई डिड इट। सो यू कैन डू इट एज वेल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। द फोर्थ वन फॉर द डे इज हैबिट, एच ए बी आई टी, हैबिट। हुण चेक करो साडा कैमरा कहिंदा भी किसी ने डबल बी पाई है। ये डबल बी कैसे आ गई चेक करें। हाँ जसवीर कहती मेरा आ गया, सिमरन ने भी किया डबल बी आ गई। कैमरा कुछ ना कुछ तो सही दस देता है, तभी तो बोला है सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं जो स्टूडेंट आ जाते हैं, क्योंकि तुहानू असीं पॉजिटिव रखने हैं हमेशा। जिनका ठीक है वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैबिट में डबल बी नहीं होती, डबल बी ज्यादा हॉबी विच है या रैबिट विच है, लेकिन हैबिट विच डबल बी नहीं होता, ठीक है। इसमें हमेशा सिंगल बी होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हुण वेखने किंदा ठीक होंदा है, आर ई सी ई आई पी टी, रिसीट। हो सकता किसी ने आर ई सी ई टी लिखता हो, अजे तक अमित बीबी चलांदे सी ना, तो हुण बीबी हटा देनी है, सिंगल बी लानी है। बेचारी हैबिट बड़ी स्लिम ड्रीम हैगी, पतली जी हैगी है, उहनूं डाइटिंग करके सिंगल बी नाल चलदी है। डबल बी तो फिर ज्यादा मोटी हो जाती है ना, सिंगल बी नाल ही काम चलेगा, हैबिट ही है। तो रिसीट एनू जे मैं कई हो सकता है रिसिप्ट पढ़ते हो, ठीक है, एनू रिसिप्ट नहीं पढ़ना। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज रिसीट, रिसीट एनू बोलना, ठीक है, रिसीट नॉट रिसिप्ट, रिसीट है ये। हो सकता है किसी स्पेलिंग इधर उधर हो गए हूं, लेकिन पी साइलेंट है, रिसीट बोलांगे। हुण लास्ट वर्ड, एक टीचर सी वो क्लास में आए, बच्चों छेवीं क्लास से, बच्चों कहते आप जी करते पढ़ते जी। बच्चे भी बड़े खुश हो गए, सर वेरी गुड, कहते सर आप करा, सर कहते अज ना आप गाने सुनने, कहते वेरी गुड, तो सर जी गाने कौन सुनाएगा, सर कहते गाना मैं बोलना, तुम मेरे पिछे पिछे बोलो। अच्छा बच्चे कहते सर ठीक है, तो सर ने गाना शुरू करा, गदा गधे के पीछे गदा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे सारा देश है। और सर कहते ये कौन सा गाना है, और सर कहते तुम परवाह ना करो, नवा गाना आया शाहरुख खान का, तुम गाओ। तो गदा गधे के पीछे गदा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे सारा देश, गदा गधे के पीछे गदा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे सारा देश। बच्चे जरा शुरू हो गए, वहां से प्रिंसिपल गुजरे, प्रिंसिपल ने सुन लिया और बुला लिया टीचर को क्लास दफ्तर में, सर व्हाट आर यू डूइंग, आप इंग्लिश टीचर हो, इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, तो तुसी ये की कर रहे हो, कहते सर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हैं, कहते ये कड़ी इंग्लिश है, मैं खुद सुन गया, गधा गधे के पीछे गधा, ते गधे के पीछे मैं, ये कड़ी इंग्लिश है। कहता सर मेरे बच्चे स्पैलिंग बड़े कमजोर ने, उन्होंने मैं स्पैलिंग लिखना सिखा रहा। कहता किवें, कहता सुनो, गधा गधे के पीछे एस गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, आए मेरे पीछे सारा देश, नेशन। तो क्या बन गया, असेसी नेशन। हुण स्पेलिंग कदे गलत होणगे, एक गधा ले लो, उसके पीछे दूसरा गधा खड़ा करो, फिर खुद खड़े हो जाओ, फिर नेशन को लगा लो, इट बिकम्स असेसी नेशन। देखो किन्ने वड्डे स्पेलिंग बिकम्स वेरी ईजी। हुण कदे तुहानू असैसीनेशन दे स्पैलिंग भुलणगे, कदे नहीं भुलने, हो गए ना लर्न। तो एक बड़ी सी आइसक्रीम तुहाडे छे स्पैलिंग लिखण ते, क्योंकि तुसी कोशिश कीती, शाबाश। असैसीनेशन का मतलब होता है टू मर्डर समवन फॉर पोलिटिकल रीजन, किसी का राजनीतिक कारण करके मर्डर कर देना, जिवें राजीव गांधी का होया, महात्मा गांधी का होया, एंड बेनजीर भुट्टो, जिन्होंने राजनीतिक कारण करके मार दिता जाता है ना, तो हम उसे असैसीनेशन कहते हैं, असैसीनेशन। ये था अपना स्टार्ट, जड़ा आपां किवें सीखांगे चीज़ों। आज आपने सिर्फ छे वर्ड नहीं सीखे,
एक तरीका सीखा भी आपां अगे भी जदों चलांगे। ये तां बिल्कुल जी गुनगुन ऐसे ही वर्ड सीखेंगे। वेल डन, चार दे जिन्हां दे चार, छीनम तीन। छीनम आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये छह शब्द वो सी जड़े आम आंदे ने। आगे आज आपने तीन ठीक करे, आगे से छह ठीक होंगे। गुनगुन के छह ठीक, वेल डन हरप्रीत, पांच शाबाश। सरो चार, पांच वेल डन। हरेक दी परफॉर्मेंस ले मैं एक स्माइल ते एक आइसक्रीम देना चाहवांगा। बहुत ही बढ़िया करा। जदों एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच नाल असीं शुरू करते हैं ना, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सौखियां हो जाएंगी चीजा अपने आप नू। अजय बिल्कुल टॉफी तुहानू पक्की। तुहाडे बाहर जिहड़ा साडा सीसीटीवी कैमरा लगे ना, उत्ते छत ते वेखो, मुंह खोलो, फील करो, टॉफी आपके मुंह में आ रही है। देखो हुण ओह तुसीं वी इमेजिन कर लो, मेलडी चाहिए कि तुहानू जैली वाली चाहिए, जिहड़ी चाहिए इमेजिन करो और इंजॉय करो। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि अगे आपां इहनूं किवें किवें करांगे, ये होर आपां इहनां नूं किवें सीखना है। तो अब इसका पार्ट टू, ये तो आपने सीखा पार्ट वन। ठीक है, तीन वर्ड तुहाडे वास्ते लिखण लग गया। वन टू एंड थ्री। ठीक है, तीन वर्ड मैंने लिखे आपके लिए। ए वर्ड तुसी घरे बैठे बोलना है। ठीक है, मैं बोलूंगा एक दो तीन शुरू हो जाना। पहला वर्ड घर पे बोल के देखो, यहां तो आपकी आवाज नहीं मैं सुनूंगा। पहला वर्ड बोलो, फिर दूसरा वर्ड बोलो, फिर तीसरा वर्ड बोलो। ठीक है, तो अब इसको मैं बोल के दिखाता हूं। पहला वर्ड अगर तुसी एक्सेप्ट बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। याद रखना, जितने भी डबल सी आ गई तो पहले सी पे आपको क प्रोनाउंस करना है। दिस वर्ड इज एक्सेप्ट, एनु एक्सेप्ट नहीं बोलना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, क्योंकि केड़ी केड़ी चीज तुसी किवें सीखोगे, तुहानू पूरी तरह नाल एक शेड्यूल दिता जाएगा। एक्सेप्ट तो फिर तुहानू समझ आ गई होनी, जे पहला वर्ड एक्सेप्ट है तो एनु असेस नहीं कहना, ए वर्ड फिर की हो जाएगा एक्सेस, एक्सेस। एंड दिस वर्ड इज वाउल, वाउल नहीं बोलना है नू, वाउल। दिस वर्ड इज वाउल। एक वर्ड और करना है आपा, वो तुसी रजिस्टर ते नोटबुक ते लिखना है, इतने फिर टाइप नहीं करना, एक ही वर्ड लिखना है। लिखो सारे अटेंडेंस, सारे बच्चे अटेंडेंस लिखो, टाइप नहीं करना। ठीक है, और टू मी भी टाइप नहीं करना, क्योंकि मोबाइल थोड़ा वो करेक्ट दसेगा। पूरे 15 सेकंड बाद मैं स्पेलिंग लिखांगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई रिपीट द वर्ड, दिस वन इज अटेंडेंस, हाजिरी जिन्हों पंजाबी च आप कहने हैं। तो अटेंडेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू पीपल। तो उम्मीद है मैंने तो दो स्पेलिंग लिखांगा, तुसी वोटिंग करनी है वन के टू, सिर्फ वोटिंग करनी है तुसी, और कुछ नहीं करना। हां जी, किनू किनू वोट पाओगे हम दसो, वोट वन के टू। हाँ, तो देख लो वोटिंग ऐसे ही बिगड़ के, देखो ये चीजें ना बच्चे तो ही निकलिया हुई ने। हम तुसी आपे वेख लो, स्पेलिंग वर्ड सारे ने सुने हुए हैं, लेकिन तुहाडे देख लो सारे को वैरायटी आ गई, सारे ने वोटा बराबर बराबर पाई। तुसी वैसे एक चीज चंगी तुहाडे च, शाबाश, तुसी पार्शियलिटी नहीं करते, दोनों वोटा पाइया ने। तुसी यही नहीं कहा बेचारे एक नू करके पार्शियलिटी कर दिए, सियाने हो, दोनों वोटा पाती हैं। हुण मैं वोट पा दिया, हुण तुहानू मैं हिंट दे रहा। ठीक है, तुसी आपे पहचानना है, फिर अपनी वोटिंग रोको। जदों भी हाजिरी लानी है तो नचना है, जदों भी हाजिरी लानी है तो डांस करना है, तो कहड़ा ठीक होना चाहिए है? वेरी गुड, अब समझ आ गई ना। अटेंडेंस जदों भी हाजिरी लगती है ना डांस। हुण वेखो तुसी पार्शियलिटी करोगे, हुण सारे इको जने वोट पाओगे, हुण एक नंबर विचारे नू किसे ने वोट नहीं पानी है ना। अब वोट किसको जाएगी सारी, वेल डन रजनी। तो हुण वोटिंग सारी केड़े पासे चलेगी, अटेंडेंस। हाँ, लग जाओ डांस कर। याद रखना, जदों भी अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी, तो डांस करना है। हुण ये स्पेलिंग तुहाडे कदे भी गलत नहीं होणगे। हुण तुहानू डाउट हो रहा है भी ई के ए, अज तो बाद तुहानू कदे भी डाउट नहीं होएगा भी ए आना है कि ई आना। तो यू हैव वन इट। इस तरह नाल आपां सिलेबस नूं अगे वधावांगे।
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨੂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੇਨੂ ਨੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਤੋ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੈਲ ਡਨ ਰੇਨੂ। ਤੋ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਲ ਹੈਵ ਗ੍ਰੈਮਰ, ਗ੍ਰੈਮਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਮੇ ਆਪ ਗ੍ਰੈਮਰ ਮੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਮ ਵੋਇਸ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਮਰ ਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਟੈਂਸ ਵਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਇਸ, ਨਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਸਿਸ, ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਡਲ ਐਕਸਲਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕੌਨਕੋਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਮਰ ਕਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਹੈਡ ਟੂਵਰਡਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਚ ਵੰਡਣਾ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਕੈਬ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਡਲ ਐਕਸਲਰੀ, ਮੋਡਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਐਕਸਲਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਵੋਕੈਬ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਵੈਲ ਡਨ, ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਪ੍ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਸਟ ਥ੍ਰੀ ਪੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਪੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਪੇਜ ਆਪ ਉਸਕੇ ਖਾਲੀ ਛੋੜੋ, 3 ਕੇ ਵੀ 4 ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਪੇਜਿਸ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਅ ਵਰਡ ਅ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਵੋਕੈਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਵਰਡ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 200 ਵਰਡਸ ਤੱਕ, 150 ਤੋਂ 200 ਵਰਡਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਡ ਕੋ ਹਮ ਕੈਸੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੋ ਆਸਾਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਂਗੇ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਕੈਬ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਸਟੈਮਿਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਪਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨ ਯੂਅਰ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋਰਲਿਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, 100 ਤੋਂ 200 ਵਰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੋ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, 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 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਲ ਮੀ, ਵਾਟ ਡਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨ? ਔਰ ਆਜ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਵਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਡ ਆਏ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਲ ਡਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮਝ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटेड, जो चीज बयान कीती गई है, जो चीज दसी गई है, ओनू तुसी की करना है, अंडरस्टैंड करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट आंसर। तो इस चीज की असं प्रैक्टिस भी करेंगे वे किवें। लकीली एक बार एवं होया सी कि इट इज वे बैक 3 साल पहले जो पीटेट होया सी, तो असी एक मॉक टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट लिया गया सी। मन लो पेपर, अजे मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं गई, मान लो पेपर है सी शायद 2 अप्रैल में, नॉट एग्जैक्टली, वैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं। तो 3 दिन पहले तकरीबन 30 मार्च या 31 मार्च में कोई अजा दिन सी, असी एक मॉक टेस्ट लिया, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लिया सी। मॉक टेस्ट विच एक कॉम्प्रीहेंशन मैं तैयार किया सी, ठीक है, वो पेपर तैयार करा। तुसी हैरान, असी भी सरप्राइज है सी, जो पेपर 2 अप्रैल नू होया, सेम कॉम्प्रीहेंशन, 8 सेम क्वेश्चन, 1 to 8 सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शन आई सी। हाँ जी, पीटर दे पेपर च आया सी, बिल्कुल आरती, यू रिमेंबर 2018, थैंक यू वेरी मच, याद करवाया मेरे को, एग्जैक्ट याद नहीं था। तो वो वाला आरती ने बताया, वो वाला एक मैजिकल सी, वो 2018 के पेपर में सेम के सेम 8 क्वेश्चन 1 to 8 विद सेम नंबरिंग, सेम ऑप्शंस भी सेम, सेम दे सेम आ गया सी। शायद वो पॉजिटिव सोच है जी सी कि बच्चों फिर एडा वो अपने टेस्ट इन्ने बच्चों के क्लीयर हुए सी, क्योंकि वो 10 नंबर जो 8 नंबर से तो सीधे सीधे सारे दे ठीक हो गए। तो दैट मेक ए मेड अ डिफरेंस। हाँ, वेरी गुड क्लच। और उसमें अब क्या हुआ, फिर इंग्लिश का मास्टर कैडर का आया। इंग्लिश मास्टर कैडर में सबसे मुश्किल चीज पता क्या होती, पिछली बार हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए, इस बार भी सबसे ज्यादा हुए। उन्दे च की होया, एक ना लिंग्विस्टिक पार्ट, तुहानू पता है एक लिंग्विस्टिक का पार्ट होंदा है, जिहड़े बच्चे लिंग्विस्टिक नू जानदे ने, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इनको 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया गया। उस 50 क्वेश्चन च की होया, एक तो लैके 12 क्वेश्चन सेम ऑप्शन सेम आंसर। और उसका फायदा क्या हुआ कि बच्चों की सिलेक्शन बहुत ज्यादा गई, टॉपर पिछले 3 साल तो अपने एंड विद द सिलेक्शन। कहने का मतलब ये कि जदों असी एक एक्सपीरियंस दे नाल चलते हैं टीचर्स दे नाल, तुहाडा फर्क, तुसी कर बैठे 100 विचों 70 नंबर लेंदे हो, तुसी बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर तुसी कोचिंग लै रहे हो ना, तुहाडे नंबर 85 है, 15 नंबर 20 नंबर का जो फर्क है ना, वो यहाँ पड़ता है। वो तुहानू एक्सपीरियंस नाल आ जिहड़ी कॉम्प्रीहेंशन, जो कोई कहे ना किवें पढ़ना है, आपां इहदी प्रैक्टिस इन्नी कर लैनी है, इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू, तुहाडे लई चीज़ां बहुत 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 आसान हो जाएगी। इहो लई तो अंडरस्टैंडिंग साड़ी किवें डिवेलप होएगी, और अंडरस्टैंडिंग नूं असीं किवें लैके आवांगे वो कैब, और वो वर्ड हम आज ही शुरू करेंगे। आज का पहला वर्ड तुहानू मैं हुणे दे देना, जदों जाण तो पहले कि असीं इस चीज़ की किवें तैयारी करांगे, ग्रैमर को कैसे करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन आपां किवें तैयारी करांगे। एक चीज याद रखना, मोस्टली जिहड़े कॉम्प्रीहेंशन होणगे वो तुहानू मैं एज ए असाइनमेंट देंगा क्लास में। कॉम्प्रीहेंशन बस एक एक आधा ही करेंगे, मतलब इतने तुम मैं आंसर करावगा, क्योंकि जो आप कॉम्प्रीहेंशन सारे इतने करन लग गए ना, वो टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। कह क्यों, क्योंकि कोई बच्चा है जो 5 मिनट में पढ़ लेगा, और कोई इसको पढ़ने में 20 मिनट लगाता है, वो जो टाइम वेरिएशन है ना, वो फिर स्केड्यूल नहीं हो पानी। असाइनमेंट्स तुम्हें मिलनगियां जेडे आप सोल्व करांगे, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन मैं भी थोड़ी हेल्प करांगा। हाँ जी, जसप्रीत कह रहा वॉइस नहीं आ रही, बाकी आवाज आ रही है ना, मैं भी कह रहा हिलता नहीं क्या कुछ, इज इट ऑडिबल, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज दे पहले 3 वर्ड, आज 3 वर्ड दे रहा हूं मैं आपको टू बिगिन विद, क्योंकि दिवाली आएगी, डेमो क्लास है, फिर आपको क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। तो 3 वर्ड आज के लिए बड़े कीमती 3 वर्ड दे रहा हूं आपको, कम आएंगे। एक वर्ड थोड़ा सा मुश्किल करांगा, तो 2 वर्ड बड़े आसान। तो पहला वर्ड मैंने दिया आपको एडिबल, दूसरा वर्ड सारे के डिस्कस करांगा, एंड देन तीसरा वर्ड जो आपको बहुत काम आना है। आज दे 3 वर्ड अपने रजिस्टर से लिख लो। हाँ जी बिल्कुल, जसवीर पेपर दिसंबर च होने दे पूरे चांस, दिसंबर नहीं तो जैन, मतलब तुसी इन्हें कह सकते हो दिसंबर और जैन दे, कहना मतलब मार्च दे विच तुसी अपने स्कूल दे विच पढ़ा रहे होगे ते तनखावां लोगे, सैलरी ले लोगे, तो अप्रैल मार्च आप कहेंगे इन्हें कोट यूज करिए,
मार्च इज द स्वीटेस्ट मंथ, है ना। मार्च साढ़े वास्ते स्वीटेस्ट मंथ होएगा। तुहानू ध्यान होएगा कि मार्च के महीने तो बाद वो महीना होंदा जदों बहार का मौसम, स्प्रिंग का मौसम शुरू हो जाता है ना। तो साढ़े लाइफ विच भी वो बहार आ जाणी है, फुल खिलने शुरू हो जाणगे, तुहाडे अपॉइंटमेंट लैटर्स तुहाडे घरे पहुंच जाणगे, है ना। एंड यू विल बी वर्किंग इन स्कूल्स। तो जिन्ने पॉजिटिव तुसी होगे उन्ना पॉजिटिव असी बच्चों भी करना है। तो आज का वर्ड शुरू करते हैं, जसवीर होप नहीं, आई एम श्योर। मेहनत आप करोगे, मेहनत हम करेंगे, प्रोनाउंस भी करूंगा और आपको इसके मीनिंग भी बताऊंगा। मैं तुम्हें तो क्या सी ना, भी एक रजिस्टर लगा लो जिंदे तुसी फर्स्ट 3 पेजेस ते वर्ड उत्ते लिखो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, ठीक है। चाहे कह लो वोकैब, जो मर्जी वर्ड दे लो, कोई हेडिंग दे लो एक, ते एक दो तीन एनुअल लिखने, एवं करते करते आप 100-200 बनने चाहिए ने अपने। तो पहला वर्ड है एडिबल। एडिबल का मीनिंग देखे क्या होता है। जो तुसी घ्यो खाते हो ना, घ्यो, देसी घ्यो, देसी घ्यो दे उत्ते आ वर्ड लिखे होता है एडिबल। देसी घ्यो दे उत्ते लिखे होते। वैसे तो हम सोचो उतो हिंट देंगा फिर तुम्हें पता लगेगा एडिबल का मीनिंग की होंगे। प्योर नहीं, शाबाश आरजू ट्राई किया, वेरी गुड। उत्थे लिखा होंगे एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल मतलब वेल डन, वेरी गुड, खाण योग। इसका मीनिंग लिखोगे तुसी फिट टू बी ईटन, जिन्हों खाया जा सकता, खाण योग पंजाबी विच, खाण योग जिन्हों खाया जा सकता है। जो तुझे उन घ्यो का डब्बा करे पे है ना, हाँ जी बिल्कुल हरप्रीत, कुकिंग परपज जिन्हें होंगे लिखे होंगे एडिबल ऑयल। एडिबल मतलब खाण योग, जिस चीज़ को असं खा सकते हैं ना वो एडिबल होंगी, एडिबल, एडिबल ऑयल। फिर आ जाता दूजा ऑडिबल। अगर मैं तुम्हें कहना एम आई ऑडिबल, हूँ जसप्रीत ने लिखा सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या ऑडिबल, की मैं ऑडिबल हाँ, सुनन योग, वेरी गुड, शाबाश, जिसनों सुनिया जा सकता है, सुनन योग। दैट कैन बी हर्ड, जिसनों सुनिया जा सकता है, ऑडिबल। कल मैं थोड़े को जो नेक्स्ट क्लास आवाँगा पूछांगा, इन्होंने तुझे शेयर करना है, भावें वर्ड आसान है या मुश्किल है, इन्होंने शेयर करना है किसी नाल। ऑडिबल, सुनन योग, एंड देन एडिबल। एक मिनट आगे वापस आ रहा हूं, वेट करिए, ज्यादा अगे लंघ गई स्लाइड। हाँ जी, एडिबल खाण योग, ऑडिबल जिसनू सुनिया जा सकता है, जिसनू सुनिया जा सकता है, जा सुनन योग, सुनिया जा सकदा है, जिसको हम सुन सकते हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत, पीसफुल, पीसफुल। वेल डन आरजू, शाबाश। ट्रैंक्विल वर्ड याद रखा, ये बहुत काम आएगा तोड़े, क्योंकि असि शांत अगे सारे बिल्कुल पॉजिटिव रहांगे, शांत रहांगे, बिल्कुल पीसफुल रहांगे, ते बड़े ही पीसफुली असि अपना अपॉइंटमेंट लेटर अपने घर अपने वड्यानू जिसका भी तुहानू आशीर्वाद है बस पहुंच जाए जाते। वी पीपल विल बी देयर फॉर यू, असी तुहाडे नाल हाँ, विल बी वर्किंग टूगैदर, इकट्ठे आप काम करांगे। असी सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना, ठीक है, भूल जाओ हार्डवर्क, वो दिन गए, असी करांगे स्मार्ट वर्क। हुण जमाना स्मार्ट वर्क का है, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट नहीं करने, क्योंकि कई कहते सर जी मैं तो 12 घंटे ला दिना, ते फिर 12 घंटे लाना नहीं पढ़ना, तुसी घंटे 3 लगाओ या 4 लगाओ पढ़न लग्या, लेकिन उन्होंने मन दे नाल लगाओ, पूरा शांत रह के पढ़ने। हुण कई बार क्या होंगे, कोई लोग दान देंदे ने, चैरिटी करते हैं, जा किसी गुआ कोई हेल्प करते हैं, मन में आंदा आ गया मंगन देना पड़ेगा, वो चाहे तुसी रुपया दो या 1 लाख रुपया दो, लेकिन अगर मन नाल किसी की हेल्प कर रहे हो ना, चाहे तुसी 2 रुपए दिते, लेकिन मन नाल दिते यार देने चाहिए ने,
ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਦੈਟ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ 12 to 14 hours। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕਿੰਗ 14 hours, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ 3 to 4 hours। 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, 3-4 ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਪੀਪਲ ਨੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿੰਗਸ। ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਫਲਤਾ ਲਈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਓਨਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ। 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ। ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ, ਪੀਸਫੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਮਲ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੈਸੇ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪ ਉਸਕੋ ਦਿਲ ਮੇ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੋਰ ਆਫਲਾਈਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਨਸਰ ਬਾਏ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪੀਪਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਐਟ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫੋਰ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਵੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਆਪ 100% ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ 400% ਦੂੰਗਾ। ਆਪ 400 ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1600 ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਡੀਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਯੋਗ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਰੇ? ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਆਡੀਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? 2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਤੋ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਬ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ, ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ। ਚਲੋ ਅਬ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਛ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਂ ਸੀ, ਕਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਸਤ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਲਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਤਖ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬਤਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਤਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਤਖ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਕ ਬਤਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਵੀ ਗਰਵ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਰਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਤਾ ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਖ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਡਣਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਸ ਉੱਡਦਾ 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 ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੋਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜੀ ਤੋਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰ ਦੇ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਪੰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਤਾ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਲੱਭਿਆ, ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ, ਰੰਗ ਪੰਖ ਡਾਂਸ ਨੱਚਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗਰਵ, ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣੇਪਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਮੋਰ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5:55, 3:05, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਵਿਲ ਮੀਟ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ।